हाय गाइस, मैं डॉक्टर जीशान और आज हम बात करने वाले हैं मसल क्रैम्प। अगर गाइस हम मसल क्रैम्प की बात करते हैं, जैसा आप देख रहे हैं गर्मियां आने वाली है, समर आ गया है, तो ये होता क्यों है, गर्मी से रिलेटेड क्यों है क्रैम्प? मसल क्रैम्प मोस्टली जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस की वजह से होता है, या फिर कुछ एसेंशियल ऐसे हमारे मिनरल्स हैं जो जिसकी कमी की वजह से इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होता है। अगर हम पोटेशियम की बात करें, अगर हम सोडियम की बात करें, मैग्नीशियम की बात करें या कैल्शियम की बात करें, तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसकी वजह से मसल क्रैम्प ज्यादा होता है। अगर हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं या फिर हम किसी फिजिकल एक्टिविटी की बात करते हैं जहां पे आपको एक्सेसिव स्वेटिंग होता है, चाहे आप फील्ड में खेल रहे हो, चाहे आप जिम में वर्कआउट कर रहे हो, या फिर बाहर कोई एक्टिविटी ऐसी कर रहे हो जहां पे सन एक्सपोज्ड है, या फिर आपको वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी है, ह्यूमिड है और बहुत ज्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है, बहुत ज्यादा पसीना अगर निकल रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है मसल क्रैम्प का। और गाइस, क्रैम्प किसी भी मसल में आ सकता है, लेकिन मेनली ये जो आता है ये लोअर बॉडी में आता है। और मेजर मसल की अगर हम बात करें तो ये मेजर मसल, अगर हम इस क्वाड्रिसेप्स की बात कर रहे हैं या थाई मसल की बात करें या हम हैमस्ट्रिंग की बात करें या फिर हम काफ की बात करें, तो काफ मसल की अगर हम बात करते हैं तो काफ मसल में स्पेशली नाइट क्रैम्प्स बहुत कॉमन है। कुछ लोग ऐसा कंप्लेन करते हैं कि जब वो सोने के लिए बेड पे जाते हैं तो उनको ऐसा फील होता है जैसे उनका पांव खींच रहा है या कोई खींच रहा है, तो एक ऐसी फीलिंग आती है। और कभी कभी इनफैक्ट ऐसा भी होता है कि वो सो रहे हैं और क्रैम्प इतना तेज आता है कि क्रैम्प की वजह से दर्द इतना होता है कि उनकी नींद खुल जाती है। अगर गाइस ये सिम्टम्स आपको है, ऐसा क्रैम्प्स आते हैं आपको, चाहे आप खेलने कूदने के बाद आपको आता है या फिर आप सोने के लिए बेड पे जब जाते हैं नाइट क्रैम्प आपको फील होता है, तो गाइस आइए मैं आपको बताता हूं इसको किस तरीके से बहुत कुछ आसान स्टेप्स में आप इसको मैनेज कर सकते हैं। गाइस, क्रैम्प को ठीक करने के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हमारा इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा हमारा मसल स्ट्रेचिंग। तो आप ये दोनों चीजें कीजिए, पहले आप इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीट कीजिए, और इनकेस अगर गेम के बीच में ऐसा होता है तो उसी टाइम इमीडिएटली आपको मसल की स्ट्रेचिंग करनी है और उसके साथ साथ आपको फ्लूइड इंटेक आपको कंप्लीट करना है, यानी कि आपको इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीट करना है, इलेक्ट्रोलाइट इंटेक करना है। तो ऐसे सिचुएशन में जब बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो, बहुत ज्यादा गर्मी है या बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, स्वेटिंग बहुत हो रहा है, तो वहां पे आपको कोशिश करना है आपको फ्लूइड इंटेक ज्यादा करना है, आपको पानी लेना है, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है और कोशिश करना है कि इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करना है। अब इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस आप कैसे करेंगे, आप नींबू पानी पी के बैलेंस कर सकते हैं या आप नारियल पानी ले सकते हैं, उसमें भी काफी सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। और इनफैक्ट अगर ये आप नहीं पी सकते तो आप WHO ORS आता है जिसको हम इलेक्ट्रोल बोलते हैं, तो इलेक्ट्रोल लेके आप ये सारी चीजें कंप्लीट कर सकते हैं। और गाइज, इनकेस इलेक्ट्रोल और ये सारी चीजें लेने के बाद भी अगर मसल क्रैम्प नहीं रुकता, फिर भी आपको क्रैम्प्स आते रहते हैं, तो गाइज यानी कि इलेक्ट्रोलाइट के अलावा भी कुछ ऐसे एसेंशियल चीजें हैं जो आपके बॉडी में मिसिंग है, चाहे हम मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं हम या फिर हम कैल्शियम की बात कर रहे हैं। जिन लोगों में कैल्शियम की कमी होती है उसमें उन लोगों में भी क्रैम्प्स बहुत ही कॉमन होता है, लेकिन हमें लगता है कि ये सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट की वजह से, तो सिर्फ हम फोकस करते हैं सोडियम पोटेशियम पे ज्यादा फोकस करते हैं, तो ऐसे केसेस में आपको कैल्शियम का भी ध्यान रखना है। और कुछ लोगों में मैग्नीशियम की कमी की वजह से होता है, स्पेशली प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो वहां पे आप मैग्नीशियम टैबलेट्स यूज कर सकते हैं या फिर कुछ ऐसा डाइट ले सकते हैं जो मैग्नीशियम रिच चीजें हो, तो वो लेके आप इस चीज को कंप्लीट कर सकते हैं और इस चीज को ठीक कर सकते हैं। गाइस, इलेक्ट्रोलाइट के साथ साथ आपको मसल की स्ट्रेचिंग करनी है, जिस भी मसल में आपको क्रैम्प ज्यादा आता है उस पर्टिकुलर मसल की स्ट्रेचिंग आपको अच्छे से करना है। कोशिश कीजिए उस मसल को आप रिलीज करें, मायोफेशियल रिलीज करके उसके बाद आप स्ट्रेच करें और बाकी आप इलेक्ट्रोलाइट आप कंप्लीट कीजिए। और जो भी अगर आपको कैल्शियम या कोई भी ऐसा विटामिन मिनरल्स अगर डेफिशिएंट है तो आप उस चीज को फुलफिल करके इस चीज को ठीक कर सकते हैं। गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें।